Hello guys, my name is Vishwaraj Purohit and you are watching Cook with Vishwaraj. Welcome to another episode. आज की रेसिपी बहुत स्पेशल होने वाली है. आज हम बनाएंगे गुजराती खांडवी. तो चलिए as always without taking any more time, let's start. सबसे पहले मैं एक बोल लूँगा, एक कप बेसन ऐड करूँगा, उसके अंदर में एक कप दही ऐड करूंगा. एक कप बेसन के सामने एक कप इक्वल क्वांटिटी में दही लेना है. दही यूज कर रहे हैं ना, वो फ्रेश है. अगर आप पुराना दही यूज करोगे, एक से दो दिन पुराना, तो उसमें क्या होगा कि आपका जो खांडवी है वो थोड़ी खट्टी बनेगी. उसका जो दही का जो खटास है ना वो इंक्रीज हो जाता है, जिससे आपकी खांडवी थोड़ी खट्टी बनेगी. उसमें दही का जो टेस्ट है वो थोड़ा ज्यादा आएगा, इसलिए आपको फ्रेश दही यूज करना है. इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1.5 कप वाटर. चीजों को अच्छे से विस्क कर लेंगे. जो बेसन की जो गुठलियां होती है ना वो नहीं रहनी चाहिए इसके ना. विस्क से आपको सारे लम्स तोड़ देने हैं. इसको कंसिस्टेंसी देखते हुए इसके अंदर पानी ऐड करेंगे. हल्दी ऐड करेंगे, अंदर सॉल्ट ऐड करेंगे. हल्दी एक फ्लेवर देती है और साथ ही में जो खांडवी है ना उसका एकदम रिच येलो कलर देगी. येलो है जब आप इसको कुक करोगे ना, जब बेसन पकेगा तो एकदम डार्क येलो कलर आ जाएगा, जो आपकी खांडवी पे काफी अच्छा दिखेगा. जो ये बैटर है ना वो बन चुका है, अब हम इसको कुक करेंगे. पर कुक करने से पहले हमें एक प्रोसेस करनी है. सरफेस की एक डिश ली है जिसके ऊपर हम लोग थोड़ा ऑयल ग्रीस कर देते हैं. इस डिश को ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लिया है. क्यों? जब एक बार बेसन को कुक करेंगे ना, फिर हमें डायरेक्ट कुक होते ही बेसन को इस पर फ्लैट करना है और इसको एक लेवल पे करके उसकी छोटी छोटी खांडवी बनानी है. अगर हम बेसन को कुक करने के बाद हम लोग ग्रीस करना शुरू करेंगे तो हमारा जो बेसन का जो बैटर होगा, जो खांडवी का, वो एकदम टाइट हो जाएगा. क्योंकि जब हम लोग बेसन का ये जो बैटर है खांडवी का, हम लोग जब कुक करेंगे तो इसका वाटर कंटेंट डिक्रीज होगा और ये बेसन टाइट होगा. फिर आप जब इसको स्प्रेड करोगे तो ये अच्छे से स्प्रेड नहीं होगा, इसलिए हमने पहले से ही एक फ्लैट सरफेस वाली प्लेट को अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लिया है. तो चलिए अब इसका कुकिंग प्रोसेस शुरू करते हैं. तो फ्लेम है ना वो मीडियम टू लो के बीच में रखी है, क्योंकि जो बैटर है हम इसमें ट्रांसफर करेंगे. इसमें एकदम ये सॉफ्ट बैटर है, क्योंकि इसकी जितनी भी गुठलियां थी ना वो हमने पहले ही तोड़ दी है. तो अभी हमें सिर्फ इसको अच्छे से कुक करना है. और जब बेसन कुक होता है तो इसमें थोड़ी थोड़ी गुठलियां पड़ने की चांसेस होती है, इसलिए हमें इसको कंटिन्यूस स्लो स्टर करते रहना है. बस एक स्पून को हमारे प्लेटफॉर्म पे स्प्रेड करके टेस्ट करेंगे. थोड़ा ठंडा होने के बाद हमें निकाल के देखना है कि वो अच्छे से निकल रहा है, मींस वो कुक हो चुका है. पर अगर वो सही से नहीं निकल रहा है तो अभी तक आपका बेसन जो है ना वो कच्चा है. तो हमें विस्क की इतनी हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है. अगर आपके पास विस्क ना हो तो आप ऐसे स्पैचुला से उसको ऐसे प्रेस करते हुए भी जो लम्स है ना वो ब्रेक कर सकते हैं. ये बेसन का जो बैटर जो हमने बनाया खांडवी के लिए वो कुक हो गया है. अब हम इसको प्लेट पे स्प्रेड करेंगे. जो ये वाला प्रोसेस है ना वो हमें थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा, वरना हमारा जो बेसन है ना वो एकदम ठंडा हो सकता है. करनी है जिससे जो आपकी जो एकदम सेम खांडवी निकले. हम इसको हर तरफ से अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे इससे. कैसे अच्छे से रोल हो रही है, पहले साइड सारे निकाल दीजिए, सारे साइड्स. अच्छा दीजिए, फर्स्ट रोल हो चुका है ना, फिर साइड से निकालते निकालते अच्छे से रोल कर दीजिए. अच्छे से इक्वल डिस्टेंस पे फिंगर की गैप रखते हुए उसको अच्छे से
लेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे रखेंगे और फिर हम इसके अंदर थोड़ा ऑयल ऐड करेंगे, 2 स्पून ऑयल ऐड करेंगे, सेसमी सीड्स, मस्टर्ड सीड्स और हींग, मींस राई, तिल और हींग का तड़का लगाएंगे। करी लीव्स ऐड करेंगे, फिर हम इसको हल्का सा टॉस देंगे। देते हुए एक चीज का ध्यान रखिए कि इतनी मेहनत करने के बाद, इतनी सारी प्रोसेस के बाद आप इस जगह पे रॉन्ग ना हो जाए। टॉस अगर नहीं हो रहा है तो आप हल्का तड़का लगाने के बाद उसको उसके ऊपर स्प्रेड भी कर सकते हैं, वो बिल्कुल आप पे है। अगर आप इसको टॉस करने गए और आपकी खांडवी ओपन हो गई तो वापस ये सारी मेहनत पानी में। गुजरात की खांडवी रेडी हो चुकी है, तो चलिए अब इसका प्रेजेंटेशन करते हैं। आपकी जो रेस्टोरेंट है ना, उसमें थाली सिस्टम है। आप बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में जाओगे ना जो काफी पुराने हैं, तो उसमें ये थाली वाली सिस्टम है कि आप जाओगे तो आपको प्रॉपर एक गुजराती थाली देखने मिलेगी। ऐसी एक कहावत है कि गुजराती रेस्टोरेंट में अगर गुजराती थाली हो और उस थाली के अंदर अगर आपकी खांडवी ना हो तो वो थाली बिल्कुल इनकम्प्लीट है। इसलिए अगर आप गुजराती खाना बना रहे हो तो ये गुजराती फरसान खांडवी जरूर ट्राई करना। गाइस, हमारी गुजराती खांडवी रेडी हो चुकी है। आज का वीडियो मैं यहीं पे पूरा करता हूँ। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पे पूरा करता हूँ। मिलता हूँ आपसे ऐसे ही किसी नए रेसिपी वीडियो में, विद सम एक्साइटिंग रेसिपी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहो, मस्त रहो।